वही आपकी बेटी है, बहुत प्यारी। तुम मेरे लिए उस आसमान की तरह हो नूफिर, जिसे मैं देख तो सकती हूँ, मैं कुछ छू नहीं सकती, लेकिन तुम रुशना के साथ बहुत खुश हो और मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ और अजीज नहीं। मुझे अपने लिए एक रास्ता चुनना है और अपने बुजुर्गों की खुशी को अपनी खुशी बनाना है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे ख्याल को भी इस दिलो दिमाग से निकालना होगा और किसी के हाथ में अपना हाथ देना होगा। थैंक यू नोफल, तुम ये ले आए। तुम्हें पता है मेरा कब से दिल चाह रहा था मैं ये लूँ, फिर मैंने सोचा जाकर लेती हूँ, फिर मैंने कहा इतने महंगे हैं कौन ले जाके। बस आपने सोचा और मैं ले आया, मगर हाँ ख्याल रहे किसी को पता ना चले कि मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे लेके आया हूँ। भाग्य सबके लिए लाने के लिए जेब इजाजत नहीं देती। अरे हाँ हाँ बताए मुझे। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हें चिलगोजे बहुत पसंद है, मगर मार्केट में नजर ही नहीं आ रहे थे। थैंक यू नोफल, तुम बहुत ही अच्छे हो। अरे भाई वो तो मैं हूँ, तभी तो तुम प्यार करती मुझसे। अच्छा अच्छा बस बस, अब नखरे कम करो और मेरी बात सुनो गौर से। जो हुक्म सरकार। मेरी ना यूनि में ना फेयरवेल है और मेरे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। ले बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना, मैं कल आ जाऊंगा, तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, पसंद का अपना जोड़ा लेना, और अगर कोई और चीज भी चाहिए हो तो हाजिर हूँ। ठीक है खाओ ना चिलगोजे। कोई आना जाए। तुम लोग हो या ए आफाक के घर, कैसे लोग हैं वो, कैसा घर था उनका? जी हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छे इलाके में घर है, बड़ी नफासत से रखा हुआ है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं नहीं कहती कि कोई महल हो लड़के वालों का, लेकिन घर में रहने वाले जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अम्मा बहुत ही तमीज़दार और सलीके वाले लोग हैं, सारी घर की बनी हुई चीज़ों से उन्होंने हमारे तवाज़ो किए। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आफाक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, मुहज़्ज़ब, समझदार, ऊपर से जॉब भी बहुत अच्छी है। बस तो ठीक है बेटा, फिर उसके दफ्तर का पता लो और सारी मालूमात कर लो। जी ऑफिस का एड्रेस ले आए हैं, बस चंद दिनों में मालूमात भी कर लेंगे। बस तो बेटा फिर जल्दी कर लो, हम कोई रस्म कर लेते हैं और फिर रोशना और नौफिल के साथ साथ इनकी भी शादी तय कर लेंगे।